महारानी के पास करिए, लेकिन तो धीरे धीरे मार हम जोर जोर का लड़ाई अरे चुपके तो हमारा भाई है ना काम चाले पीते भी पांच छाते रहिए कितने मारा हो भैया कही थे मेरे बताए पांच छोटे को पांच मिनट अपनी महावती को पांची हूँ महारानी जी ये देखो लड़के जितने हैं ये सब अनपढ़ गवा नहीं भाई अनपढ़ भैया बता पढ़े लिखे भाई हमारे हाथ मारा बच्चों की बात नहीं मानी जाती है बुजुर्गों की बात मानी जाती है ये लड़का के बात मानो लड़का झूठ नहीं बोलती झूठ वाला दिमागी लड़वा वैसे तो तुमने गलत किया है लेकिन गलत हमें बर्दाश्त नहीं है हमें इसे आदर दिया था तो हम चाहिए कितने एडवांस हुए थे रे तीन सिर्फ तीन मारना तीन वापस करते भैया नहीं तो अरे गुलैया गोलगप्पा है पहले नहीं चले चले जैसा हम गप्पा बना रहे थे हमें अम्मा ने कहा हमें अम्मा ने हमें घर में चोरी ऐसी अरे उसे उठा रही थी हम
फलन मिल गया है। कुत्तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, अगर नौकरी से निकाल दिया तो बीवी बच्चे भूखे मर जाओगे रे। उठे के काम मत। अरे मुझे लग रहा मैं तो तुम दोनों की बातों में तो सब कुछ भूल गई रे। भूल गई हूँ मुन्नी लाल और दिमाकी लाल, तुम्हें याद होना चाहिए कि महाराज ने कहा था कि मेरा बेटा शीतल हमारी बेटी की कातिलों को पकड़ कर लाएगा। वो 5 दिन बीत गए, आज भी छठ हुआ दिन, कातिल नहीं मिले। लेकर आया है, समझ गई। हमें लगता है कि महाराज अक्षरा की फांसी को भूल गए हैं। दिमागी लाल और मुन्नी लाल महारानी बैठ जाओ, कोई किसी से बोलेगा नहीं। आज महाराज को फिर बताती हूँ। हमका गाँव जोड़ते हैं बोले कोई नहीं, मुमाना गाँव कोई नहीं। ठीक है बैठ जाओ। आपने कृष्ण हरण तो नहीं है। और मुझे आ रही याद बेटी शीतल कह रहा था कातिल कोई दूसरा है, मैं सबूत देके आऊंगा, लेकिन आज तक कोई सबूत देकर नहीं आया है। आज छठा दिन है, आज उस अकेला की फांसी है। लेकिन प्राणनाथ जब सबूत होगा
तभी तो शीतल लेकर आएगा। जब साबुन अपने पास है तो शीतल कहां से लेकर आएगा? महाराज जी, आप हमें एक बात बताइए, अपना बेटा शीतल अर्चना पर ये अपने झूठे आंसू क्यों बहाता है? आखिर उसका हमदर्द क्यों बनता है, हमें बताइए आप। महाराज जी, आप पहले क्या कहते हैं? प्राणनाथ, मैं आपसे कहना यही चाहती हूँ कि शीतल अचानक पर आंसू क्यों बहाता है, उसका हमदर्द क्यों बनता है, आज तक मैंने आपसे नहीं बताया। लेकिन आज जब वक्त आ गया है तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। प्राणनाथ, एक दिन की बात है, हमने रसोई घर में खाना बनाकर सोचा कि जाती हूँ बेटी शीतल को बुला लाती हूँ। मैं जैसे उसके बेडरूम में पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ नाथ, अर्चना और अपना बेटा शीतल दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। क्या प्राणनाथ, एक ही थाली में खाना, एक ही स्टेज पर सोना। प्राणनाथ, नौकर और मालकिन में कोई फर्क ही नहीं है, हम लोगों का कोई मान सम्मान नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है ना महाराज जी, आप जिससे कभी मेरा बेटा शीतल ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या कहा मेरा बेटा शीतल और कहा वो दो कभी की लड़की शीतल ऐसा कभी नहीं कर सकता। शीतल कहा है? शीतल अपने कमरे में है महाराज जी। कमरे में? हाँ महाराज जी। आप कहते हो कि शीतल अपने कमरे में है और मैं कहती हूँ कि शीतल आपको अपने कमरे में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि आज अर्चना की फांसी हो जाएगी, मुझे कातिल मिले नहीं है और इसीलिए शीतल उससे मिलने के लिए जेल गया होगा। हाँ प्राणनाथ, महाराज जी आपकी टीम शीतल जेल में है और मैं कहता हूँ शीतल अपने कमरे में है। प्राणनाथ, आप कहते हो कि शीतल अपने कमरे में है, आपको यकीन है? हाँ महाराज जी, मैंने अपने बेटे शीतल को लंदन में पढ़ाया है, मेरा बेटा उसे छोटे गर्म कभी नहीं कर सकता। प्राणनाथ, अगर शीतल कमरे में मिल गया, अगर शीतल अपने कमरे में मिल गया तो अचानक की फांसी नहीं बल्कि फांसी हमारी कर देना। अगर शीतल जेल में मिल गया तो मैं क्यों कहूंगी तो आपको करना होगा। महाराज जी, ये तो जेल चलकर ही पता चलेगा। आज इतना की बात है, आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त दे देते हैं, हम सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। मैं क्या करूं, मैंने तो कोई सदन नहीं किया था।
कुछ खाया पिया नहीं होगा, आपको भूख होगी। अरे भैया, जब तक महाराज का हुक्म नहीं होगा तब तक हम लोगों को खाना पानी कहां मिलेगा? अब जाकर कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी। भैया आप कह रहे हैं कि जाकर कुछ खाना पानी खा लो, लेकिन हम चले जाएंगे खाना पानी खाने के लिए, तो इस अर्चना का देखभाल कौन करेगा? अब इसकी चिंता मत करिए, आप जब कुछ खा पी लो, आप जब तक नहीं आएंगे जब तक रोटी मैं दूंगा। तो ठीक है भैया, आप महाराज के बेटे रत्न और शीतल भैया है, इसीलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर आपके सिवा कोई और होता तो ये बात का सही मानने वाला नहीं था। आप चिंता मत करिए, आप जब तक नहीं आएंगे यहाँ पर तो किया मैं दूंगा। तो ठीक है भैया, तुम अच्छी तरह से बात करते रहना, कहीं जाने ना पड़े, हमारी काफी कर देंगे। ठीक है दरबारी, आप जाइए। अर्चना